नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के बारे में। आप सबको पता ही होगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी को कोई भी कार्यकारी अध्यक्ष नहीं मिला था, जिसके बाद अस्थायी रूप से जेपी नड्डा जी के कार्यकाल को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाकर दिसंबर तक बढ़ाया गया था। लेकिन अब जैसे जैसे दिसंबर नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में नई स्थायी कार्यकारी अध्यक्ष के लिए चर्चा जोर पकड़ रही है। इसके लिए बीजेपी और आरएसएस में काफी अलग अलग नामों की चर्चा हो रही है, और वैसे ही इन नामों की चर्चा मीडिया में भी हो रही है। कुछ मीडिया चैनल कह रहे हैं कि बीजेपी के नए अध्यक्ष मोदी और अमित शाह जी की मर्जी के होंगे, तो कोई कह रहा है कि आरएसएस की मर्जी का कोई नया अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बीजेपी का नया अध्यक्ष वही होगा जो इन तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। तो दोस्तों, कृपया करके वीडियो को पूरा देखें ताकि आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन हो सकता है। सबसे पहला क्राइटेरिया या फिर मानदंड हम कहें जातिगत पॉलिटिक्स। अगर आप हाल ही में कांग्रेस और राहुल गांधी जी का जो बीजेपी के ऊपर हमला देख रहे होंगे, तो आपको वो मुख्य रूप से दो चीजों के ऊपर दिख रहा होगा। एक तो कास्ट सेंसस, मतलब जातिगत जनगणना, जिसके ऊपर राहुल गांधी जी साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अपर कास्ट मतलब ऊंची जातियों को ज्यादा बढ़ावा देती है और ओबीसी एससी और एसटी की बात नहीं करती। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि बीजेपी अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष मुख्य रूप से ओबीसी एससी या एसटी समाज से लाने के लिए ज्यादा आग्रही होगी, ताकि वो राहुल गांधी और कांग्रेस के इस फेक नैरेटिव को किसी भी तरीके से काउंटर कर पाए और खास करके ओबीसी एससी और एसटी समाज के मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव के परिणामों के बाद ये साफ तौर पर नजर आ रहा था कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, जो बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण है बीजेपी से छिटके हुए एससी वोटर्स, जिन्होंने 2014 और 2019 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी एक फेक नैरेटिव को स्थापित करने में सफल रह गए, जिसके बाद आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी ये देख रही हो कि आने वाला एक नया वर्किंग प्रेसिडेंट या फिर नया कार्यकारी अध्यक्ष ओबीसी एससी या एसटी समाज से हो, ताकि जो छिटके हुए वोटर्स उनसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में चले गए थे, उनको वो फिर से अपने साथ जोड़ पाए। और वैसे भी अगर आप एक लॉजिकल रीजनिंग की तरफ से देखें, तो उसमें से भी भारतीय जनता पार्टी किसी एससी समाज के नेता को चुनने में ज्यादा दिलचस्प होगी, क्योंकि उसके बाद वो ये बता पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पंतप्रधान पद है वो किसी ओबीसी को दिया हुआ है, राष्ट्रपति पद के लिए किसी एसटी समाज को चुना हुआ है, और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के लिए उन्होंने एक एससी समाज को प्रतिनिधित्व दिया हुआ है, ताकि वो राहुल गांधी के फेक नैरेटिव को काफी अच्छे से काउंटर कर पाए। अगली दो शर्तों या मानदंडों को देखने से पहले, अगर आप अभी भी हमारे वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बेल आइकन की बटन को जरूर दबाइए, ताकि हमारी चैनल को आगे बढ़ने में आसानी होगी। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो की आगे की दो शर्तें या मानदंडों पर चलते हैं। दूसरा बड़ा मानदंड जो भारतीय जनता पार्टी देख सकती है, वो है क्षेत्रीय राजनीति। बीजेपी चाहेगी कि वो जितना हो सके उतना भारतीय जनता पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष या तो महाराष्ट्र से चुने या फिर उत्तर प्रदेश से, क्योंकि ये दोनों ही राज्य है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 19 में काफी बड़ा समर्थन दिया था, और इन्हीं दोनों राज्यों में बीजेपी का मूल हिंदुत्व का वोट बैंक भी है, और इसी के साथ साथ बीजेपी और आरएसएस की एक कॉमन विचारधारा का भी काफी प्रभाव इन दोनों राज्यों में है। और इसी के साथ साथ 2024 में इन्हीं दोनों राज्यों ने भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के खेल को प्रभावित किया था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ये सोचेगी कि अगर वो कोई नेता इन क्षेत्रों से, खास करके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से देती है या अध्यक्ष बनाती है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी और आरएसएस के साथ उनका एक गठजोड़
मजबूत भी रहेगा और उसका मध्य भारत और उत्तर भारत के हिस्से पर बीजेपी अपना प्रभाव भी जमा सकती है और अपनी पकड़ को और मजबूत कर सकती है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसमें एक और संभावना भी है दोस्तों, कि भारतीय जनता पार्टी और खास करके मोदी और अमित शाह जी को एक झटका देने वाली पॉलिटिक्स से काफी प्यार है, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई नया चेहरा दक्षिण भारत से भी लाए और दक्षिण भारत के किसी नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी अपना नया प्रेसिडेंट बना सकती है। अब जिसकी वजह से क्या होगा कि खास करके दक्षिण भारत में जहां पर बीजेपी और आरएसएस दोनों को ही विचारधारा का पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस या पॉलिटिकल प्रभाव उतना बड़ा नहीं है, वहां पर किसी एक नए दक्षिणी भारत के राजनेता की छवि देकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपना प्रभाव दक्षिण भारत में बढ़ाने की ओर अग्रेसर हो सकते हैं। तो ये भी एक मानदंड भारतीय जनता पार्टी देख सकती है, जिसमें 2029 के लोकसभा चुनाव में उन्हें खास तौर पे दक्षिणी भारत में एक काफी बड़ा गेन होता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी तीसरे मानदंड की ओर चलते हैं, और तीसरा मानदंड ये हो सकता है कि किसी मध्यम दृष्टिकोण के राजनेता को चुनना। और खास करके ये कहा जाता है कि जेपी नड्डा जी के अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी और आरएसएस के बीच में काफी बार मिसकम्युनिकेशन हुआ, और जिसकी वजह से बीजेपी और आरएसएस के बीच में दरार बढ़ती ही गई। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जेपी नड्डा जी ने एक बयान भी दिया था, अगर आपको याद हो, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, जिसके बाद ये कहा गया था आरएसएस इस तरीके के बयान से काफी ज्यादा नाखुश है और उसने बीजेपी के लिए बहुत कुछ ज्यादा प्रचार 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं किया था, जिसके वजह से काफी बड़ा इम्पैक्ट खास करके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसी स्टेट में हुआ था, जहां पर आरएसएस का एक अच्छा और तगड़ा नेटवर्क माना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जो भी नया अध्यक्ष बीजेपी और आरएसएस चुनने वाली होगी, वो दोनों ही ये देखेंगे कि जो नया अध्यक्ष भाजपा का बनेगा, वो दोनों ही ये जरूर सुनिश्चित करे कि बीजेपी और आरएसएस के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, क्योंकि अगर मिसकम्युनिकेशन होता रहा तो इसका सबसे बड़ा परिणाम बीजेपी को आने वाले कुछ चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। और शायद से बीजेपी भी ये देख रही होगी कि जो चीज उनके साथ 2024 में घटी वो फिर से उनके साथ ना ही घटे तो अच्छा है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी नया नाम बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में आएगा, वो एक तरीके से ऐसा होगा कि जो मोदी और अमित शाह जी के नजदीक भी है, और उसी के साथ साथ वो व्यक्ति आरएसएस की विचारधारा को भी ध्यान में रखता हो, या फिर वो खुद आरएसएस की विचारधारा से आता हो, ताकि हमेशा एक अच्छा कम्युनिकेशन भाजपा और आरएसएस में हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये तीन महत्वपूर्ण क्राइटेरिया होंगे जो बीजेपी के नए अध्यक्ष को चुनने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। अगर आपके विचार इससे कुछ अलग हो गए तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।